खाने में भी आनंद रहती है। देखिए इतना प्यारा इनका चेहरा है, आंखों में काजल। लड़की को ठंड में कौन आइसक्रीम खाता है? आइसक्रीम ले लिए, अभी तो बार बार के लिए बताओ। इसको टाइफाइड हुआ है, फिर भी बेबी को देखो, बेबी को देखो। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल नमिता ब्लॉग्स पे। और आज का दिन है 25 नवंबर, और आज मैं जा रही हूँ कहाँ पे, तो सर की बेटी का शादी है, मतलब जो नेहरू युवा केंद्र हजारीबाग के जो अकाउंटेंट सर हैं उनकी बेटी का शादी है, उन्होंने मुझे पर्सनली इनवाइट किया है। तो मैं शाम को जाऊँगी, अभी तो मैं शोरूम में हूँ, बट मैं 4-5 बजे यहाँ से निकल जाऊँगी, छुट्टी ले लूँगी और वहाँ पर जाऊँगी। तो वैसे भी मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, शायद 2-3 दिन के बाद, मुझे थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए मैं नहीं बना पाई थी, तो आप लोगों ने मुझे मिस किया। ओके, तो अभी मैं जाऊँगी कुछ देर बाद लंच में, उसमें लंच करके आऊँगी, फिर छुट्टी लेके फिर चली जाऊँगी। तो फिर रेडी भी होना है, शादी में जाना है, तो अभी तक तो कुछ डिसाइड नहीं किए हैं कि क्या पहनना, और उसके बाद जाना है और फिर देखना मैं शादी में क्या, मतलब शादी में कितना एंजॉय करते हैं वो सब तो आप देख ही लोगे मेरे ब्लॉग में। तो वेल गाइस, तो हम रेडी हो गए हैं, आप देख रहे हो, मतलब कैसे लग रहे हैं आप कमेंट में बताओ। तो अभी हम रेडी हो गए हैं, शाम के 5 बज गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं, श्वेता को भी लेके जाना है, तो जाते हैं फिर दिखाते हैं शादी का व्यू वगैरह, मतलब वहाँ पे कहाँ पे है और कैसा है, तो बने रहिए। वेल गाइस, तो अभी देखो हम लोग आ गए हैं हिल साइड होटल, अंदर जा रहे हैं, श्वेता के साथ आए हुए हैं। हाँ, तो देखो दोस्तों आप लोग कितना अच्छा लोकेशन है, वहाँ पे हाईवे है, बस उसी के अपोजिट में हिल है, कैनरी हिल, और देखो यहाँ पे हमारा होटल, होटल हिल साइड जहाँ का। तो हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं, चलिए कम, अभी भीड़ कम है, अभी भीड़ कम है क्योंकि हम लोग सबसे पहले आ गए हैं। देखो हम लोग सब दोस्त लोग मिल गए हैं, साथ में सचिन भी है, और चंदा भी है, श्वेता भी है, राजा भी है, सब है, ठीक लोग भी हैं, तो हम लोग आ गए हैं। तो होटल काफी सुंदर है, बहुत अच्छा है, मतलब हिल साइड होटल, हिल साइड, ये कैनरी हिल के जस्ट अपोजिट में, मतलब हाईवे से जस्ट बगल में है, बहुत अच्छा होटल है, मतलब शांति एरिया है, हमको बहुत पसंद आया। तो अभी डेकोरेशन सब रेडी ही हो रहा है, बट सर बोले थे कि थोड़ा सा हेल्प करने के लिए पहले ही आ जाना, तो पहले ही आ गए हैं। तो आप देख रहे हो सब्जी पहुँच, सर वहाँ खड़े हैं, देखिए ये कॉन्टेंट सर है, इन्हीं की बेटी का शादी है। डेवलप होगा, साथ में आपके चाहते भी डेवलप करेंगे। ओके, थैंक यू।
सामने में हाईवे तो सुंदर लग रहा है, यहाँ से व्यू काफी सुंदर लग रहा है। छत पे टेंट है हमारा, मतलब सर का काला हो गया। तो देखो छत का व्यू अच्छा, सारा मंडप यहीं पे सजा हुआ है, सब दोस्त लोग भी यहीं हैं। गाइस अभी यहाँ पे कोई है नहीं तो हम लोग अभी यहाँ पे फोटो क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि ये तो आदत है कहीं भी शादी में जाते हैं तो जयमाला वाला स्टेज में जाकर फोटो क्लिक करने का है। तो अभी श्वेता गई है, उसका फोटो क्लिक हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम जाते हैं, हम भी फोटो क्लिक कर लेते हैं। वो तो फोटो आपको इंस्टाग्राम में दिख ही जाएगा। अब ये भी जाके बैठ गई, उसको भी आना ठीक है। गाइस देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, सैलेड को कितना अच्छा से रेडी किया गया है। ये तो फलते हैं जमीन पे धरती में, लेकिन इसका प्रस्तुतिकरण जब किसी ओके। तो अभी इधर हम लोग का खाना भी रेडी हो गया है, द वेज और द स्नैक्स है, और इधर नॉन वेज। और ये मेरा फ्रेंड सर्कल जो बैठ के कॉफी पी रहा है, देखो कॉफी हम भी लिए हुए हाथ में, तो अभी हम भी बैठ के कॉफी पीते हैं इन लोग के साथ। अब बेबी भी आई हुई है, बेबी से तो मीट कराई ही नहीं है, मीट बेबी मेरी फ्रेंड। अभी हम कॉफी पी रहे हैं, अच्छा है कॉफी। और महेश जी हमको कह रहे हैं कि आप बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। हजारी बाग का चाय तो मस्त था ही, वहाँ वाला ये झील वाला, लेकिन बाबू ये झील नहीं ये हिल परिसर है। हिल परिसर में हेलो आइए, हेलो सर को फोटो वीडियो से बहुत एलर्जी है, भाग जाते हैं कैमरा से, कहते हैं कि कैमरा से ज्यादा खूबसूरत खुद ही है, तो क्यों आना, तो भाग गए। अरे बाबा पर ठीक है, मुझे कैमरा मैन वो तो नहीं आई नहीं नहीं ले रहा वो देखो। गाइस मेरा जो भी टीम है एनवाईके का, वो लोग हम लोग एज अ गेस्ट नहीं, हम लोग एनवाईके का मतलब एज अ वॉलेंटियर यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं। सबको है कि दूल्हे को क्या चाहिए, दुल्हन को क्या चाहिए, गेस्ट को कहाँ चेयर देना है, किसको कहाँ स्नैक्स देना है। हाँ हाँ दूल्हा गर्म पानी मांग रहा है, लेकिन अब रिवर्स कर रहा है, कॉल आ रहा है एक सेकंड। हेलो हाँ, तो हम वही कह रहे थे कि सर लोग सब हेल्प कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सबको चाहिए। तो जैसे नीचे भी कैटरिंग का सारा वहाँ पर लगा हुआ है, वहाँ पे हम लोग ही सारा वहाँ पर चाहिए, किधर वेज रखना है, नॉन वेज रखना है, और किधर पेपर लगाना है, वो सब सब। ओफो हम लोग को जगह नहीं मिल रहा है, तो हम लोग अभी आए हैं स्नैक्स खाने के लिए, चाउमिन खा लेते हैं। लाइए हमको चाउमिन दीजिए आप, वो बोला आप ले लीजिए ना, उसमें ले लीजिए सब। ओके ओके, तो अभी हम बस ले लिए, और हमारे इधर भी दो नहीं हम बहुत दिन बाद खा रहे थे। हाँ बहुत दिन बाद, बीच में हम लोग छठ था, दुर्गा पूजा था, दीपावली था, सब बार लिए थे, लेकिन खाते भी कम्प्लीट, सब कम्प्लीट, और उसके बाद लव पार्टी मिली। सबसे पहले अभी हम लोग खाते हैं, उसके बाद लड़की को ठंड में कौन आइसक्रीम खाता है, आइसक्रीम ले लिए, अभी तो बार बार के लिए बताओ, इसको टाइफाइड हुआ है, फिर भी बेबी को देखो, बेबी को देखो फिर भी आइसक्रीम खाई पागल। तो मेरा फेवरेट वन ऑन वन रसगुल्ला, मेरा फेवरेट नहीं हमको मेरा, अरे आप क्यों खाए, हमको खाना था ना। YouTube में डाल देती है।
बोले ना हम खाए तो पार्टी में मिल रहा है तो खाना तो पड़ेगा ना, मेरे को भी दो यार, हमको दीजिए, क्यों नहीं दे रहा? मिल गया, ओके, खाते हैं। दोस्तों देख रहे हैं आप नम्रता जी अभी अभी एक साथ दो गोलगप्पे एक साथ खा चुकी हैं, इसका चल रहा है अरे भैया और वीडियो बन रहा है यार, ये इनका चौथा गोलगप्पा है, ये लगातार 20 गोलगप्पे खाने का रिकॉर्ड बना चुकी है अब तक, ये 25वां गोलगप्पा खाने का रिकॉर्ड बना रही है आज, देखिए कितना फास्ट फास्ट अब कितना, देखिए इसका मुंह खोलने का जो तरीका है कितना बड़ा बड़ा खोल के खा रही है ऐसे करके आप सब देख सकते हैं, और इस तरह नम्रता जी का लिपस्टिक भी खराब नहीं हो रही है। देखो हम लोग अभी कोई भी एनवाईबी लोग नहीं खाए लेकिन महेश खाने के मामले में पीछे नहीं हटता, देखो कितना खाना, देखो इसको मिला भी है तो बाप रे लेग पीस, बाप रे लेग पीस, बस क्या किस्मत, सबसे पहले खाने में आके बैठ गए, बताइए प्लेट में पूरा चट करके खाए और क्या खाए बताए, मछली क्या खाए उमेश सर को बताना पड़े Thank you.
विजय सर भी आए हुए हैं। हे हजीरा बाग देख रहे हैं, हंसते खिलते चेहरे भी आए हमारे इस दरबार में आ चुके हैं। झारखंड की सबसे बड़का ब्लॉगर यहाँ बैठी हुई है और अभी पूरा चिकन को नोच नोच के खा रही है। आशा करते हैं कि जितना अच्छा इनका ब्लॉगर बनता है उतना अच्छा ये खाने में भी आनंद लेती है। देखिए इतना प्यारा इनका चेहरा है, आंखों में काजल है, होंठ में लिपस्टिक है और भौरा में नोपालिश है। यही तो इस लड़की की अदा है। बने रहिए नम्रता ब्लॉगर के साथ। क्या मजा है खाने में यार, जब जब देखो देखो मैम लोग तीन तीन पर्सन लेते हुए चार पर्सन। सोनू भैया भूखे रह जाएंगे लेकिन सबको गर्दन भर के खिलाएंगे, ये जन्म से ठाने हैं। तो अब इनसे मिलिए, ये है प्रतीक भारद्वाज। अच्छा, अच्छा। नमस्ते नमस्ते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बराती आगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं। अरे छोड़ दुनिया से क्या मुझसे बस क्या। वेल गाइस, तो हम फाइनली रूम पे आ गए और बहुत ठंड लग रहा है क्योंकि बाहर बहुत ठंड है। तो अब हम रूम आ गए हैं और खाना भी तो हम खा ही दिए वहाँ बहुत सारा, तो अब तो खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है गाइस, आज का दिन मेरा काफ़ी इंजॉयफुल रहा। तो ठीक है, आप सभी को गुड नाइट। और मुझे भी नींद आ रहा है तो मैं भी चली सोने के लिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो बाय बाय।